एकमा स्टेशन पर बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, 2 मिनट के लिए रुकेगी गाड़ी। सांसद ने हरी झंडी दिखाकर की शुरुआत। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 111-23-24 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस को प्रायोगिक आधार पर ठहराव 14 मार्च से अगली सूचना तक एकमा स्टेशन पर दिया गया है। इस अवसर पर गुरुवार को एकमा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद महाराज बिहार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने गाड़ी संख्या 111-23 ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस को एकमा स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाड़ी संख्या 111-23-111-24 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस को छपरा सिवान रेलखंड पर पड़ने वाले एकमा रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव मिला है। इसी क्रम में आज से एकमा स्टेशन पर गाड़ी संख्या 111-23 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस 5:48 बजे पहुंचकर 5:50 बजे बरौनी के लिए प्रस्थान करेगी। वापसी यात्री में गाड़ी संख्या 111-24 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस एकमा स्टेशन पर 1:02 पर पहुंचकर 2 मिनट का ठहराव लेकर 1:04 पर ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेगी। आपको बताते चलें, इस गाड़ी के ठहराव से एकमा समेत आसपास की जनता को गोरखपुर कानपुर झांसी और ग्वालियर को सीधी यात्रा का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और स्थानीय जनता को छपरा और सिवान आने जाने में सुविधा होगी। आपको बताते चलें, अब यात्रियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, एकमा स्टेशन पर बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो गया है, 2 मिनट के लिए रुकेगी गाड़ी। रेलवे ने यात्री की सुविधा के लिए 111-23-111-24 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस को प्रायोगिक आधार पर ठहराव 14 मार्च से अगली सूचना तक एकमा स्टेशन पर दिया गया है। इस अवसर पर गुरुवार को एकमा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद महाराजगंज बिहार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने गाड़ी संख्या 111-23 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस को एकमा स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।